कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने गैंगरेप और हत्या मामले में मृतक महिला के परिवार से की मुलाकात। सिलपाटा में मंदिर में तीन पुजारी द्वारा सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने मृतक महिला के परिवार से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही है। अलका लांबा ने टिप्पणी की है कि उक्त घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। इसके साथ ही अलका लांबा ने चेतावनी भी दी है कि पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और विधानसभा का घेराव करेगी या मंत्रियों की गाड़ियां रोकेगी और इस मामले में उनसे जवाब मांगेगी। कि अगर आप बात करेंगे तो ये सच्चाई है आज देश की कि महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। घरेलू हिंसा की बात करें, सामूहिक बलात्कारों की बात करें, हत्या की बात करें, ये सब में बढ़ोतरी हुई है। आज दुख और दुर्भाग्य है कि आज मैं राज्य कार्यकारिणी की बैठक के लिए केरला से सीधा मुंबई आई और आते ही पता लगा कि नई मुंबई में जो है यहाँ पर अक्षिता नाम की एक 30 साल की महिला जिसका 3 साल का बेटा भी है वो 6 तारीख को घर से लापता होती है। चाचा ने बताया है, बहन ने बताया है कि 6 तारीख को ही 2 बजे थाने में जाकर लापता की हमने रिपोर्ट लिखवा दी थी। 6, 7, 8 3 दिन तक महिला को नहीं खोज पाए कि वो महिला क्यों, कहाँ, किस हालात में है। अगर वो पहले खोज ली गई होती तो शायद वो हमारे बीच में सही सलामत और ज़िंदा होती, लेकिन खोजबीन में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। 4 दिन तक महाराष्ट्र के इन्हीं इलाकों में वो थी और उनके मोबाइल भी थे, अंतिम लोकेशन भी पता की जा सकती थी, लेकिन सब में मुझे लगता है लापरवाही की गई कि जिसको मैं अभी जिसकी सच्चाई नहीं बता सकती हूँ, पर ये कहा गया कि एक सामूहिक बलात्कार हुआ है, मंदिर के आसपास हुआ है, मंदिर के लोग शामिल थे और हमने उनको पुलिस ने बताया अरेस्ट कर लिया है, जबकि परिवार का ये कहना है कि वो लगातार घरेलू हिंसा की शिकार हो रही थी, उनसे पैसे की मांग की जा रही थी, वो बहुत बार अपना ससुराल छोड़ के मायके 2-2 महीने रही हैं, बातचीत हो रही थी, समझाया जा रहा था, अंत में इतना उनको प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से कि वो घर छोड़ने को 6 तारीख को सुबह 6 बजे के करीब मजबूर होती हैं और वो घर छोड़कर जाती हैं और 6, 7, 8 तक ससुराल पूरे पति ने क्या प्रयास किए और उनके इनको है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, उन्होंने कोई प्रयास किया या नहीं किया या इस पूरे घटनाक्रम में उनका हाथ है, यानी क्योंकि परिवार की पूरी शक की सुई जो है वो ससुराल और पति पर जा रही है। सो देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ये आपकी योजनाएं, ये घोषणाएं खोखली साबित होती हैं। 9 साल की नाबालिग बेटी के साथ भी, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है, थाने की घटना है और ये महाराष्ट्र की नई मुंबई की 1-2 घटनाएं नहीं है। 9 साल की बच्ची हो या 30 साल की महिला हो, सामूहिक बलात्कार, हत्याएं, घरेलू हिंसा लगातार बढ़ रही है और ये सरकार मूकदर्शक बनकर इस तरह की मात्र खोखली योजनाओं और घोषणाओं के पीछे छुपना चाह रही है। हम इन्हें छुपने नहीं देंगे जब तक महाराष्ट्र की धरती हमारी हर माँ बहन और बेटी के लिए पूरी तरह जब तक सुरक्षित नहीं हो जाती, जब तक अपराधियों के मन में खौफ और डर पैदा नहीं हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आराम से अब बैठेगी नहीं, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, संसद का आपका विधानसभा का घेराव वो मुख्यमंत्री के रास्ते रोकने हो, कानून मंत्री से कहना हो, पुलिस प्रशासन को जवाबदेही हो, हम इन सबको सुनिश्चित करेंगे। महिला कांग्रेस अब सड़कों पर उतरेगी, अब बस, अब बहुत हो चुका है, अब हम नहीं चाहते कि कोई भी नाबालिग बेटी, हमारी बहन किसी तरह की घरेलू हिंसा, सामूहिक बलात्कार या हत्या की अब शिकार हो, इसलिए हम देश और समाज के लोगों से भी कहेंगे, पूरे महाराष्ट्र को कहेंगे, ये हमारी और आपकी बेटी और बहनें हैं, जागिए, आइए सड़कों पर, करिए सरकार को मजबूर कि वो डर और खौफ इन अपराधियों के मन में पैदा कर सके। आवाज उठे, पंकज बेनोंसी की रिपोर्ट, नवी मुंबई।